है आठवां जूबा। तो आठवां जूबा क्यों है? नहर पल पल की अपडेट दे रहा हूँ, पूरे पुल से आपको रूबरू करवा रहा हूँ। 150 साल पुराना ब्रिटिश शासनकाल में बनवाया गया था ये पुल, अंग्रेजों ने बनवाया था। नीचे से ससुर खदेरी नदी आप देख रहे हैं, ऊपर से मैंने आपको नहर दिखाया हुआ है। नहर ऐसे गई हुई है, ठीक है, ये नहर गई हुई है पुल के माध्यम से, और नदी ऐसे नीचे से क्रॉस कर रही है। आप देख पा रहे हैं ये नदी नीचे से क्रॉस कर रही है। तो यह चैनल ब्लॉग हमेशा ऐसे ही कुछ हटके अनोखी खबरें आपके सामने लाता रहता है। जय हिंद दोस्तों, यस चंदेल ब्लॉक में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आए हुए हैं उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जनपद अंतर्गत मनावा स्थित ऐतिहासिक पुल। अंग्रेजों के ज़माने का बनाया हुआ ये पुल है। ये आप देख पा रहे हैं नहर बह रही है और नीचे ससुर खदेरी नदी, मैं आपको दिखा रहा हूँ नीचे ससुर खदेरी नदी बह रही है। पल पल की अपडेट देने वाला हूँ पूरे ब्लॉग में, आप लगातार बने रहें। ये आप देखिए नीचे का रास्ता भी मैंने आपको दिखाया था, ये ससुर खदेरी नदी है, आप सामने देख रहे हैं। ससुर खदेरी नदी ऐसे आई हुई है और नहर ऐसे गया हुआ है, मतलब ससुर खदेरी नदी को काट करके ऊपर से नहर बनाया गया है जिस कारण से आगे गांव में पानी जा सके। उस समय समस्या रही होगी पानी की, नदी ऐसे गई और नहर को इस तरीके से देखिए बनाया गया, जो करीब से हम बताएँगे कोई नहीं बताएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। यह चंदल ब्लॉग हमेशा से ऐसे ही कुछ हटके अनोखी खबरें हमेशा आपके सामने लाता रहता है। तो बताएं हमें आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा, जिससे हौसला बढ़े और हम आपको इससे भी अच्छे और भी खबरें, अच्छे कंटेंट आपको पेश करते रहें। ये रास्ता है, ये नहर गई हुई है और फिलहाल यहाँ तक वो गरीब पुल अंग्रेजों के ज़माने का बना हुआ है। नहर बह रही है, आप देख पा रहे हैं, और नहर के हम ऊपर खड़े हुए हैं और ये पुल ही अपने आप में एक अजीबो गरीब पुल है। तो हम आपको बताने वाले हैं, इसमें पल पल की आपको जानकारी देने वाले हैं। तो आप हमारे वीडियो में लगातार बने रहें। काफ़ी दिनों से इच्छा थी कि इसको बनाया जाए, तो आज हम आ पहुँचे हैं। ऐतिहासिक पुल है फतेहपुर जनपद का, ये आप नहर देख रहे हैं, ये पुल के ऊपर से नहर आई हुई है। हम आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं, पल पल की जानकारी देने वाले हैं, और ऐतिहासिक पुल है ये, अंग्रेजों के ज़माने का लोहा अभी भी लगा हुआ है यहाँ पे, मैं आपको दिखा पा रहा हूँ। और अजीबोगरीब क्यों है ये मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ये आप देखिए नीचे ससुर खदेरी नदी बह रही हैं, मैं आपको दिखा पा रहा हूँ। ये है ससुर खदेरी नदी, वीडियो के माध्यम से मैं आपको दिखा पा रहा हूँ। ससुर खदेरी नदी नीचे से गई हुई है, पुल की कारीगरी अभी आप मैं नीचे से दिखाने वाला हूँ, और ये मैं पुल के ऊपर खड़ा हुआ हूँ। और ये देखिए नहर नदी वैसे बह रही है और नहर ऐसे आई है। तो निकालने के लिए, गाँव में पानी भेजने के लिए ये नहर किस तरीके से अजीबोगरीब पुल बनाया गया, ऐतिहासिक पुल बनाया गया, अंग्रेजों के ज़माने का ये पुल। तो हम आपको पल पल की यह जानकारी देने वाले हैं, पूरी अपडेट देने वाले हैं, आप हमारे साथ लगातार बने रहें वीडियो में। पुल के ऊपर की तस्वीर है ये, हम आपको ले चल रहे हैं दुनिया के आठवें अजूबे से आपको रूबरू करवा रहा हूँ मैं। आप देख पा रहे हैं ये है दुनिया का आठवां अजूबा पुल, आप देख पा रहे हैं वो नीचे ससुर खदेरी नदी बह रही है। मैं आपको बहुत ही करीब से पूरा नज़ारा दिखाने वाला हूं, तो लगातार मेरे वीडियो में आप बने रहें। पानी देखिए नहर का टपक रहा है, क्या कारीगरी, अद्भुत कारीगरी की गई है। पानी देखिए किस तरीके से टपक रहा है, नहर का पानी है ये। हम आपको बहुत ही करीब से सच्चाई से रूबरू करवाते हैं, चैनल ब्लॉग का हमेशा से उद्देश्य ही रहता है। तो ये अंग्रेजों के ज़माने का पुल है, ब्रिटिश शासनकाल में बनवाया गया था ये। ये अंदर से जाने के लिए रास्ता भी है,
तो हम अभी आपको जाके पूरी पल पल की अपडेट देने वाले हैं, तो हमारे साथ आप वीडियो में बने रहें। वो खदेर ससुर खदेरी नदी इसके नीचे से होके बहती है। नदी को ऐसे पास किया गया है और नहर ऐसे बनाई गई है तो नहीं मिल जाता पानी ससुर नदी में, ससुर खदेरी नदी में। ससुर खदेरी नदी नीचे आप देख रहे हो बह रही है, और ये नहर के ऊपर से अद्भुत कारीगरी, इसमें से पानी। एएस चंदेल ब्लॉग आपको हमेशा ऐसी ही अनोखी खबरें हमेशा लाता रहता है। आज हम आए हुए हैं फतेहपुर जनपद में, और ये ऐतिहासिक पुल है, अंग्रेज़ों के ज़माने का बनाया हुआ पुल है। ये कहिए दुनिया का 8वां अजूबा, और नीचे से नदी गई हुई है ससुर खदेरी नदी, और ये ऊपर से नहर गई हुई है। नदी ऐसे गई हुई है और नहर ऐसे गई हुई है। तो मैं आपको पूरा रूबरू करवाने वाला हूँ, पूरी खबर में मेरे अपडेट रहें, क्योंकि बहुत ही दिलचस्प खबर होने वाली है, बहुत बड़ी खबर होने वाली है ये। तो मेरे साथ लगातार बने रहें आप। अब हम अंदर चलेंगे, पानी अभी भी टपक रहा है। ये अंदर से जाने का रास्ता है, बहुत दूर तक आप पैदल जाने के लिए मार्ग बनाया गया है। इसी के ऊपर से नहर का पानी जा रहा है, जिसके नीचे से हम ये खबर कवरेज कर रहे हैं, हम आपको दिखाने वाले हैं। ये चैनल ब्लॉग हमेशा ऐसी ही कोई खबरें आपको दिखाता रहता है। अजीबोगरीब पुल है ये, और पल पल की अपडेट से रूबरू करवाने वाले हैं हम आपको। आप ये देखिए, नीचे से ये ससुर खदेरी नदी गई हुई है, बहुत ही करीब से हम आपको दिखाने वाले हैं ससुर खदेरी नदी। ससुर खदेरी नदी इधर से गई है, और ये नहर इस तरीके से गई हुई है। पल पल की मैं आपको अपडेट, ये चैनल ब्लॉग हमेशा देता रहता है। छोटे दरवाजे ऐसे ही, तो मैं आपको लगातार आप लोग देख पा रहे हैं। सबसे खास पुल, तो हम आपको लगातार पल पल की अपडेट ये चैनल ब्लॉग में। तो हम इस पार आ चुके हैं, ये देखिए ये पुल रहा, ये नहर जा रही है। नदी ऐसे गई हुई है और नहर ऐसे आई हुई है, बहुत ही करीब से। एएस चंदेल ब्लॉक कोई भी चीज़ छोड़ने वाला नहीं है, तो आप हमारे साथ लगातार बने रहें। पुल ऐसे बनाया गया है, नहर नदी नीचे से गई हुई थी और पानी उस नदी को काटते हुए ससुर खदेरी नदी को इस पार लेना था, तो इसलिए नदी के ऊपर से ये नहर बनाया गया है। और बहुत ही दिलचस्प खबर होने वाली है, बहुत ही अनोखी। देखिए बहुत पुराने ईंटें अभी भी लगे हुए हैं, ये आप देख रहे हैं अंग्रेज़ों के ज़माने का बनाया हुआ है। रेलिंग अभी भी बरकरार है। तो पल पल की अपडेट यह चंदेल ब्लॉक आपको दे रहा है, बहुत बड़ी खबर, दुनिया का 8वां अजूबा। तो आप यह चंदेल ब्लॉग में हमेशा बने रहें। हमने कहा था कि हम हमेशा ऐसी ही कुछ हट के खबरें आप लोगों के सामने लाते रहते हैं, तो ये कुछ अलग ही खबर है, आप देख पा रहे हैं। बहुत ही अच्छा
घूमने का आप अगर फतेहपुर आएँ तो ये फतेहपुर जनपद के में असोथल से 5 किलोमीटर दाता रोड पे है, पड़ता है मनावा। तो मनावा में स्थित है, ये देखिए नीचे से नदी गई है ससुर खदेरी नदी। मैं आपको अभी और भी नीचे से सबसे नीचे से पूरे पुल के से रूबरू करवाने वाला हूँ। ये ससुर खदेरी नदी गई हुई है, ससुर खदेरी नदी इधर से आई हुई है, आप देख पा रहे हैं, और नहर ऐसे आई हुई है, ये नहर है। यह चंदेल ब्लॉक आपको लेके आया हुआ है उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जनपद अंतर्गत मनावा स्थित ऐतिहासिक पुल। अंग्रेजों के ज़माने का बनाया हुआ पुल है ये, इसी में हम चल रहे हैं। ये अंग्रेजों के ज़माने का बनाया हुआ पुल है, और ये आप देख पा रहे हैं हमारे बगल में नहर बह रही है। अंग्रेजों के ज़माने का ऐतिहासिक पुल है ये आप रेलिंग देख पा रहे होंगे, ये मैं आपको छू के दिखा रहा हूँ। ये रेलिंग है, बहुत पुरानी है, और अंग्रेजों के कार्यकाल में अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई थी। और फिलहाल बहुत ही बढ़िया, देखिए आप कैसे नक्काशी दी गई है। सरकारी के तरफ से कोई सुविधा यहाँ पे न होने के कारण से ये मेंटेनेंस के लिए तरस रहा है पुल। अंग्रेज़ों के ज़माने का ये लोहा आज भी मजबूत। इधर से भी रास्ता है, उधर से भी रास्ता है, और ये नहर बह रही है। तो हम इस समय पुल के ऊपर मौजूद हैं और आपको दिखाने वाले हैं नीचे का पूरा नज़ारा, दिखाऊंगा मैं आपको। आप देख पा रहे हैं नहर, ये गई हुई है नहर। उस तरफ से भी रास्ता आपको दिखाई देगा, पैदल जाने के लिए है, गाड़ी बाइक वाइक सब निकल जाते हैं इधर से। नहर ऐसे गया हुआ है और नदी ऐसी आई हुई है, पुराना ऐतिहासिक है, अंग्रेज़ों के ज़माने का है। बहुत ही पुराना पुल है, वो पूरी जानकारी पूरा अपडेट मैं आपको दूंगा पल पल की। दिखा दिया अभी आई थी जो ऐतिहासिक है। अभी हम आपको नीचे से जाके पूरी पुल का नज़ारा दिखाने वाले हैं, पूरी अपडेट। ससुर खदेरी नदी तो इतने पास से आपको कोई नहीं दिखाएगा। फिलहाल यह चैनल ब्लॉग जहाँ पे जिस स्टोरी को कवरेज करते हैं पूरी पल पल की अपडेट देते हैं, ये आप देखिए पूरी नक्काशी मैं आपको दिखाऊंगा। और हम ससुर खदेरी नदी बह रही है और नीचे ही खड़े हुए हैं, ये देखिए पूरी अपडेट देंगे। हम इस समय पुल के सबसे नीचे मौजूद हैं, यहाँ से ससुर खदेरी नदी बहती है, बाढ़ आ जाती है जब यहाँ साठ जगह पानी भरा हुआ होता है, तो सबसे नीचे उतर कर लग रहा है पुल की नक्काशी मैं आपको दिखा पा रहा हूँ। यह चैनल ब्लॉग हमेशा ऐसी ही बड़ी खबरें, अच्छे कंटेंट आप लोगों के सामने पेश करता रहता है। मैं आपको दिखा पा रहा हूँ, ये देखिए कैसा नज़ारा है नीचे से ये ऐतिहासिक पुल का। फतेहपुर का ऐतिहासिक पुल है, बहुत ही सुंदर तरीके से नक्काशी की गई है, तराशा गया है इसे। ब्रिटिश शासनकाल में बनवाया गया था ये पुल, 150 साल पुराना। और ससुर खदेरी नदी को मैं बहुत पास से आपको दिखाने वाला हूँ, ये आप देखिए नीचे से ये ससुर खदेरी नदी यहाँ पानी भर जाता है, और मैं नीचे ही हूँ, आपको किसी ने नहीं दिखाया। ये देखिए ससुर खदेरी नदी,
ये है ससुर खदेरी नदी। ये ससुर खदेरी नदी आपको कोई नहीं दिखाएगा किस तरीके से पुल बना हुआ है, मजबूत पुल बना हुआ है। फतेहपुर के मनावा का ऐतिहासिक पुल है ये। बड़ी खबर इस समय ये सिंधल ब्लॉक पे, दुनिया का आठवां अजूबा फ्लाईओवर नीचे से। यही नदी है जो बाढ़ आ जाती है तो जहाँ पे हम खड़े हैं ये नदी से भर जाती, ससुर खदेरी नदी से बोलते हैं। उधर हमने आपको दिखाया सूखी हुई है लेकिन अभी भी है पर्याप्त मात्रा में ससुर खदेरी नदी। पुल हम आपको दिखाएं पूरा, ऊपर से रास्ता है नीचे से पैदल रास्ता दिया गया है, तो पूरी अपडेट तो हम हमेशा आपको देते रहते हैं। पानी टपक रहा है, आप देख पा रहे हैं किस तरीके से। बहुत ही करीब से यह चैनल ब्लॉक हर चीज़ को आपको दिखाता है। ये नहर का पानी टपक रहा है, ये आप देखिए ससुर खदेरी नदी इधर बहती है। रास्ता पैदल जाने का दोनों तरफ ऐसे दिया हुआ है, हमने ऊपर की भी आपको दिखाया नीचे की भी। तो यह चैनल ब्लॉग हमेशा ऐसी ही खबरें लगातार आप लोगों के लिए लाता रहता है। कैसा लगा हमारा ब्लॉग बताना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मित्रों निकल रहे हैं, आप देख पा रहे हैं और दरवाजे पे दरवाजा आपको नज़र आता जाएगा। इसीलिए कहते हैं आठवां झूबा, ऐसे नहीं कहते हैं कि आप नक्काशी देखिए। इसके ऊपर नहर बह रही है, आप यकीन करेंगे हम नहर के नीचे खड़े हुए हैं। ये देखिए बहुत ही करीब से चैनल ब्लॉग आपको दिखाता है, ये नहर का पानी टपक रहा है और ये ऐसे ही हमेशा दिखे। बहुत लंबी तक वहाँ तक चली गई पूरे पुल तक, आप इस पार से उस पार आराम से कर सकते हैं, ऊपर से भी बाइक वगैरह जाने के लिए रहे, लेकिन ये पैदल मार्ग अंग्रेजों ने कुछ सोच समझ के बनाया होगा। दुनिया का आठवां अजूबा। तो इस समय हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जनपद के मनावा का ऐतिहासिक पुल में इस समय, और ये देखिए यहाँ से बाहर निकलने का भी है रास्ता है। और ये आप देख रहे हैं ये ससुर खदेरी नदी हमारे नीचे से गई हुई है, और ये खड़े होने का देखिए क्या पिलर टाइप के बने हुए हैं हर जगह पे। ये है ससुर खदेरी नदी, ससुर खदेरी नदी नीचे से बही हुई है और हम इस पुल में हैं। नीचे से हमारे नदी बह रही है, इसीलिए आठवां अजूबा बोला जा रहा है। मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ ये नीचे से ससुर खदेरी नदी बह रही है, हम पुल के ऊपर हैं और ये हमारे ऊपर नहर बह रही है। ये करिश्मा अंग्रेजों के ज़माने का बनाया हुआ ये पुल है। ये चैनल ब्लॉग आपको हमेशा ऐसी ही अनोखी कुछ हटके खबरें लाता रहता है। वीडियो शेयर करें, लाइक करें,
चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ये देखिए नहर का ही पानी आया हुआ है, ये टपक रहा है, ये ऊपर से ये पानी नहर यहाँ के ये यहाँ पे नहर बह रही है। बहुत ही अजीबोगरीब, नीचे से ये ससुर खदेरी नदी ऐसे गई हुई है और ये नहर ऐसे गई हुई है उस पार करने के लिए। ये नहर का पानी आप देख पा रहे हैं, ये है नहर का पानी। ये सिंदेल ब्लॉक पल पल की आपको अपडेट दुनिया के आठवें अजूबे के बारे में देने वाला है। ये देखिए किस तरीके से बनाया हुआ था, बहुत ही पुरानी, करीब 150 साल पुराना है ये पुल। 150 साल पुराना पुल है ये, अंग्रेजों के ज़माने का, ब्रिटिश शासनकाल में बनवाया गया था ये, जब अंग्रेजों का यहाँ पे राज्य था। ब्रिटिश शासनकाल में बनाया हुआ ये पुल। हम इस पुल के विषय में आपको जानकारी दे रहे हैं। चंदेल ब्लॉग हमेशा ऐसी ही कुछ हट के खबरें हमेशा आपके सामने लाता रहता है। और ये हम ऊपर चढ़ाए हैं, ये आप देखिए हमारी बाइक भी खड़ी है। और पुल के ऊपर हम गाड़ी से ही आए हुए हैं। अद्भुत नक्काशी देखिए यार, बहुत करीब से दिखा रहा हूँ आपको, अंग्रेजों के ज़माने का बनाया हुआ था। और मैं जो बता रहा हूँ उधर से आपको ससुर खदेरी नदी में दिखा गया। ये देखिए ये नहर है, नहर आप देख पा रहे हैं पुल के ऊपर हम खड़े हुए हैं, ये नहर बह रही है। और उधर से ससुर खदेरी नदी आई हुई है, ऐसे कर कर के ससुर खदेरी नदी आई है और इस तरीके से नहर बह रही है और हम पुल के ऊपर इस समय मौजूद हैं। तो ये उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जनपद अंतर्गत मनावा जगह पे स्थित है, ऐतिहासिक पुल है ये, ब्रिटिश शासनकाल में बनाया गया था, करीब 150 साल पुराना बताया जा रहा है। कैसा लगा ये दुनिया का आठवां अजूबा? कई दिन से इस खबर को बनाने की कोशिश चल रही थी लेकिन समय नहीं मिल पा रहा था, आज हम आखिर इस जगह पे आ चुके हैं। कैसा लगा है हमारा ब्लॉग आज का बताना ना भूलें। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा। एएस चंदेल ब्लॉग का हमेशा से उद्देश्य रहता है कि आपको अच्छे कंटेंट हमेशा पेश करता रहे। तो हम दुनिया के आठवें अजूबे को आपको दिखा पा रहे हैं। ये फतेहपुर में स्थित है, मनावा में, मनावा। ये नहर बह रही है, वो मेरे पीछे आप नहर देख पा रहे हैं, ये नहर है और नीचे ससुर खदेरी नदी है जिसकी पल पल में आपको अपडेट दे रहा हूँ। तो आप लगातार हमारे चैनल पे बने रहें, हमारे वीडियो में बने रहें। ये चंदेल ब्लॉग का हमेशा से उद्देश्य रहता है कि आपको हमेशा अच्छी खबरें प्रोवाइड कराए जिससे आपका सरोकार हो, जिसे आपको जानना ज़रूरी है। तो ये चंदेल ब्लॉग हमेशा ऐसी ही खबरें, कुछ हट के खबरें आप लोगों के सामने हमेशा लाता रहता है। फ्लाईओवर के ऊपर हम खड़े हुए हैं इस समय। तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, वीडियो लाइक करना ना भूलिएगा। ये पुल के ऊपर हमारी बाइक चल रही है, ये नहर बगल में बह रही है और ये कभी कभी नदी नीचे बह रही है। नीचे से नज़ारा हमने आपको दिखाया हुआ है, ये आप देख पा रहे हैं, मैं दिखा पा रहा हूँ आपको कैमरे के माध्यम से। दुनिया का आठवां अजूबा है ये। कई गाने और कई शूटिंगें इसमें हो चुकी हैं, बड़े बड़े चैनलों में खबरें भी चल चुकी हैं।
हम आपको करीब से दिखाते हैं, तो आप देख पा रहे हैं। पल पल की अपडेट दे रहा हूँ, पूरे पुल से आपको रूबरू करवा रहा हूँ। 150 साल पुराना ब्रिटिश शासनकाल में बनवाया गया था ये पुल, अंग्रेजों ने बनवाया था। नीचे से ससुर खदेरी नदी आप देख रहे हैं, ऊपर से मैंने आपको नहर दिखाया हुआ है। नहर ऐसे गई हुई है, ठीक है, ये नहर गई हुई है पुल के माध्यम से, और नदी ऐसे नीचे से क्रॉस कर रही है। आप देख पा रहे हैं ये नदी नीचे से क्रॉस कर रही है। तो यह चैनल ब्लॉग हमेशा ऐसे ही कुछ हटके अनोखी खबरें आपके सामने लाता रहता है। तो कैसा लगा मेरा ब्लॉग बताना मत भूलिएगा दोस्तों, और वीडियो में लगातार बने रहें आप मेरे साथ। बहुत भी आगे बहुत कुछ भी है। यह है आठवां जूबा। तो आठवां जूबा क्यों है, नहर गई हुई है, आप देख पा रहे हैं ये नहर गई हुई है, सीधा आई है, नहर जा रही है, पुल बना हुआ है। पुल के नीचे से इस तरीके से नीचे से ऐसे करके ससुर खदेरी नदी गई हुई है, तो इस वजह से ये खास हो गया है। और ये उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जनपद अंतर्गत मनावा में पड़ता है। तो अभी बहुत कुछ है, लगातार वीडियो में बने रहें।